जिला जनसंपर्क कार्यालय खरगोन के सुपरवाइजर उदय सिंह डामोर ने जिला कार्यालय में ध्वजारोहण किया। डामोर ने पूरी सेवा के दौरान नियमित उपस्थिति और हर समय तैयार रहने की अपनी प्रवृत्ति से विभाग में अपनी छाप छोड़ी है। डामोर 30 जून 2020 को अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सहायक संचालक पुष्पेंद्र वास्कले ने उनके इस सेवा को अविस्मरणीय बनाने के लिए उन्हें ध्वजारोहण करने का अवसर प्रदान किया। इससे अन्य कर्मचारियों में भी कार्य के प्रति लगन और उत्साह में संचार होगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जी झंडा वंदन सर, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अगले साल रिटायर होने वाला हूँ और 15 अगस्त का जो कम्युनिटी झंडा वंदन है वो मुझे मेरे से करवाया है और मुझे यहाँ जनसंपर्क कार्यालय में 40 साल हो रहे हैं, जो अब अगले साल में मतलब निजी रिटायर होगा। तो सर ने मुझे मतलब मौका दिया और कि आज ये झंडा वंदन आप करेंगे। अभी तक मैं झंडा वंदन सवेरे से प्रातःकाल से आके तैयारी करता और उसकी तैयारी में सब कुछ मतलब समय पे करके और सर को मैं सुपर अभी तक के मैं मेरे कार्यकाल में कम से कम 17-18 PRO साहब निकल चुके हैं और उनकी सेवाएं करते मैं आ रहा हूँ। यही सोच क्या है इसमें, उदय सिंह जब से सर्विस में आए तब से सतत कार्यालय में समय पे आते रहे और हर समय तैयार रहे। हमेशा कुछ भी कहो, मेरे कार्यकाल में अभी तक मुझे ध्यान नहीं कि उन्होंने किसी दिन छुट्टी ली हो, एप्लीकेशन लगा के छुट्टी ली हो, अवकाश पे गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने मुझे देखने में आया। और भले कोई इतवार हो या कोई त्यौहार हो या किसी तरह का उनके घर में भी कोई आयोजन हो तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने ऑफिस को ही समय दिया है और वो इस वर्ष अगले वर्ष रिटायर होने वाले हैं और हम हो सकता है कि कार्यालय अब यहाँ पर नहीं रहे चूँकि हालत ख़राब है, शिफ्ट करना चाहें। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लास्ट झंडा वंदन यहाँ पर होना है तो यह अवसर मुझे लगा कि रिटायरमेंट से पहले एक अवसर उन्हें दिया जाए। ऐसा करने से न सिर्फ उनको एक अच्छा लगेगा, उनको भी सम्मान महसूस होगा और दूसरी सबसे बड़ी बात और भी अन्य कर्मचारियों में भी एक ये हौसला आएगा, एक उत्साह रहेगा, वो भी लगन से काम करें, यही मन चाहता है।